पिघला दे जंजीरे, बना उनकी शमशीरे, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, और मैं यहाँ पे पॉलिटिकली नहीं आया, मैं राष्ट्रवादी का आमदार बन के नहीं आया, मुझे आपसे रूबरू बात करनी है। आपका भी दिल समझना है कि अब एक नवी जनरेशन आएगी। 15 इयर्स इज अ टू बिग अ टाइम, बिकॉज द ओल्ड हैंड्स हैव गॉन फॉरवर्ड, नाउ आई वांट न्यू हैंड्स टू जॉइन विद मी। इनफैक्ट इन अ चेंज टू बुमराह, I think the mindset has always changed. You must have the seen the station. वहाँ पे भगवान की मूर्ति भी थी, मच्छी की गाड़ियाँ भी थी, मटन की दुकान भी थी, वहीं पे चिकन की दुकान भी थी, वहीं पे टॉयलेट था, यानी किसी को लगता ही नहीं था वो स्टेशन था। पर मैं बड़े फक्र से कह सकता हूं कि मुमराह एंड कलवार द टू बेस्ट स्टेशन ऑफ द सेंट्रल रेलवे। के इजराइल इन्वेजन इन गाजा, इजराइल की गलती है, गाजा उन्हीं लोगों का है जिनका वो जिंदगी भर रहा है, पैलेस्टाइन लोगों का। तुम दूसरे के भूमि के पद पे कब्जा कर लेते हो और बाद में उसके उसको बोलते हो कि ये वॉर है, वो मेरी भूमि थी, मैंने मेरे घर का, मेरा बड़ा मकान है। मैंने मेरे एक दोस्त को कहा कि भाई तेरे को तकलीफ है तो रह ले भाई। 15 साल में पता चला कि वो मेरा जो दर्द जिसको होता था वो दोस्त आस्ते आस्ते पूरे मेरे घर पे ही कब्जा कर लिया है। अब रहने के लिए मेरे को किचन ही बाकी रहा है, तो वो किचन में रहने वाला मैं गरीब इंसान मेरे हक के लिए लड़ू के किचन से बाहर भाग जाऊं, क्या क्या सोचते हो? मैं मेरे हक के लिए लड़ू के किचन से भाग जाऊं? दैट इज व्हाट द पैलेस्टाइनियंस आर डूइंग, एंड वी आई ओपन हार्टेडली सपोर्टेड, दिस इज अ न्यू चेंज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी इन इंडिया। It was Gandhiji who first supported the Palestinians. Then it was Nehru, followed by Indira Gandhi, followed by Rajiv Gandhi, followed by Narasimha Rao, followed by Atal Bihari Vajpayee himself. उनके भाषण में उन्होंने कहा था कि इज़राइल ने जो भूमि पे कब्जा रखा है वो कब्जा उन्होंने छोड़ के पैलेस्टाइन को दे देना चाहिए। दिस वॉज सेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। सो इरेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट पार्टीज, इंडिया ऑलवेज हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दोज हु ऑक्यूपाइड द लैंड विच बिलोंग टू समबडी एल्स। सो इंडिया हैज इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी। आई नो सम ऑफ यू मस्ट हैव नॉट वोटेड टिल नाउ, हैव यू वोटेड? तुमने मेरी बातें सुनी है,
बराबर है। और एक 20-25 दिन में महीना भर में साहब आप सब लोग क्वेश्चनर्स तैयार करो, आप लोग आओ, मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा। दुनिया में किसी भी चीज का सवाल पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। हालांकि आज वक्त कम था इसलिए सवाल जवाब नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि नेता तो बात करके गया, साला अपने को कुछ पूछा ही नहीं, क्या है तुम्हारे दिल में। तो तुम्हारे दिल में जो कुछ है आप मुझे पूछना चाहते हैं, तो 15-20 दिन में और एक प्रोग्राम रखेंगे और एक मटन बिरयानी रखेंगे, चिकन नहीं, और आप मुझे सवाल पूछ लेना। पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता।